जी हाँ विद्यार्थियों, स्वागत है एक और वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका कल आपका कक्षा 8 का संस्कृत का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में कंप्लीट मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, साथ ही साथ उनके सॉल्यूशन बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो के आपको किसी भी पार्ट को आपको इसके बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका 60 नंबर का पेपर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका मॉडल पेपर है, इस बात का ध्यान रखिएगा, मॉडल पेपर है और इसमें सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मनसा सत्तम, तो मनसा सत्तम क्या होना चाहिए? स्मरणीयम। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत प्रतिपादन तो ब्रह्मीहर। चंद्रशेखर से जन्म अभवत तो ये हो जाएगा आपका अलीराजपुर मंडले। भूमि गुरुत्वास्थि तो ये हो जाएगा आपका पिता। ये जितने भी आंसर यहाँ पर टिक लगे हुए हैं ये इन क्वेश्चनों के राइट आंसर हैं। कार्येषु शब्दे भक्ति अस्ति ये बताना है, कार्य, ठीक है। तो ये हो जाएगा से है, यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ आपको, कार्येषु, तो ये हो जाएगा आपका षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिए गए रिक्त स्थान के, यहाँ पर देख सकते हैं राजेशु खालिस्तान प्रति प्रातिनिध्यम वहंती, तो ये राज्यपाल हो जाएगा। सेकेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर खालिस्तान दिया गया है, विभव मित्रम भवती तो ये आतुरस्य हो जाएगा। थर्ड आपका सर्वो खालिस्तान पश्चतु तो ये आपका बद्राणी हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका पेपर है वो आपका 8 ग्रेड अभ्यास प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। पिछले जब हमने आपको जो आपका साइंस का पेपर हुआ था उसमें हमने कंप्लीट 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सोल्यूशन आपसे प्रोवाइड किया था, तो उसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सेम क्वेश्चन पूछे गए थे और क्वेश्चन आंसर तो लगभग सभी उसी में से आपको देखने को मिले थे, ठीक है। तो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को एक बार जरूर आप पढ़ के जाइएगा, यदि आपके पास नहीं है तो आप कमेंट करके बताइएगा तो मैं PDF प्रोवाइड कराने की आपको कोशिश करूँगा, ठीक है। या आप YouTube पर सर्च करेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 संस्कृत, तो आपको YouTube पर भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्रातः सर्वे भद्राणी आ जाएगा, यहाँ पर तपस्या साधनम तो स्वर्ग प्राप्ति साधनम पुष्पमाला शब्द समास अस्ति तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। प्रातः वृत्तम केन रक्षते ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका धर्म भयन। प्रातः कर्माणाम लेखनम कश्य पार्श्व अस्ति तो चित्रगुप्त से हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद से मातृ नाम की मासित भुवनेश्वरी देवी हो जाएगा। ज्ञान से अधिष्ठानी देवी का तो ये आपकी ज्ञान की देवी कौन है? शारदा। और मेघदूत से कवि का तो ये आपके कालिदास हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। बाकी जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं उनके आंसर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में आंसर आपको बता दिए थे इन सभी क्वेश्चनों के। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन मैंने अच्छी तरीके से डिटेल में आपको समझा दिए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो है आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, तो इसको आप देख सकते हैं, 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। इसकी यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। वहाँ से इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, या आप पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता देता हूँ जिससे कि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं ये सभी क्वेश्चन। यदि पढ़ के बताऊँगा तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट सभी क्वेश्चनों का आप अच्छी तरीके से ले लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी PDF है, ये मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन बता दिए हैं, या आप पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव आपको याद कर लेने हैं जो मैंने आपको बताया है। बाकी पार्ट 2 जो मॉडल पेपर, ये आपका मॉडल पेपर नंबर कौन सा, ये मॉडल पेपर नंबर 1 है, ठीक है। बहुत ही जल्द आपको शाम को या सुबह आपको मॉडल पेपर नंबर 2 की वीडियो में लेकर आ जाऊंगा, ठीक है, मॉडल पेपर नंबर 2, ठीक है। और ये जो मॉडल पेपर है ये आपके जो आपका लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा जारी किए जाते हैं वो हम आपको बता देते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में छांट लेते हैं, और आपके पैटर्न के आधार पर आपको ये आपका हम जो क्या है मॉडल पेपर तैयार कर लेते हैं। तो इसको आपको मैंने पहले ही बता दिया मॉडल पेपर है, तो इसे इंपॉर्टेंट समझकर ही पढ़िएगा, ठीक है। और बाकी जो आपकी तैयारी है उसे आप कंटिन्यू रखिएगा। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।